अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब पाकिस्तान की दूतावास ने न्यू दिल्ली में ये बोल दिया कि आपको वीजा मिल जाएगा आप जब पाकिस्तान के सरहद पर पहुंचेंगे, तो आज उसको धोखा क्यों दिया गया? आज हिंदुस्तान के आवाम, पाकिस्तान के आवाम और शहाब भाई के साथ धोखा क्यों? पाकिस्तान का जो सफारत खाना दिल्ली के अंदर है, जब शहाब भाई ने सफर अपना स्टार्ट किया था, उन्होंने पाकिस्तान का वीजा मांगा, तो दिल्ली में जो पाकिस्तान का सफारत खाना है, दूतावास है, वहां पे ये बोल दिया गया था कि आप अपना सफर जारी रखें, अगर अभी आप हम आपको वीजा देंगे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आपका वीजा वो रद्द हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। जैसे ही आप पाकिस्तान की सरहद पर पहुंचेंगे आपको वीजा वहीं से मिल जाएगा। इस यकीन दहानी को लेकर शहाब भाई ने अपना सफर जारी रखा और लगभग 3000 किलोमीटर का सफर केरल से वाघा बॉर्डर तक वो पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की सरहद में घुसने वाले थे कि एक बड़े ही दुख भरी खबर आई कि पाकिस्तान ने वीजा देने से इनकार कर दिया। ये एक वादा खिलाफी है। अगर आपको वीजा देने से मना ही करना था तो जब शहाब भाई अपना सफर जारी रखे हुए थे जब भी तो मना कर सकते थे, लेकिन ऐन वक्त पर जब पाकिस्तान में कोई घुसने वाला हो और उस वक्त में बोल दिया जाए और जिसको मक्का शरीफ तक जाना हो कि आपको वहां आपको पाकिस्तान का वीजा नहीं मिलेगा, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा सदमा, कितना बड़ा धसका सा लगा होगा कि जिस इंसान ने 3000 किलोमीटर का सफर तय किया हो और वो पाकिस्तान तक पहुंचने वाला हो। यकीनन ये नाइंसाफी है, यकीनन ये धोखेबाजी है शहाब भाई के साथ। वजह ये बताई गई है कि पाकिस्तान में सुरक्षा कारणों से उनको वीजा नहीं दिया गया है कि उनके साथ ना कोई नाजेब हरकत हो जाए, उनके साथ कोई नागुजीर हादसा पेश आ जाए, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं होगा और पाकिस्तान ने वीजा देने से इनकार किया है। और इसके ऊपर पंजाब के शाही इमाम साहब ने क्या कुछ बोला है, आइए सुनते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर पाकिस्तान से शहाब भाई नहीं जाएंगे तो फिर कौन सा रास्ता अपनाएंगे? उसके लिए रास्ता सिर्फ एक बचता है कि चाइना के रास्ते से उनको भेजा जाए। और इसके लिए पंजाब के शाही इमाम साहब ने मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को एक खत लिखा है कि शहाब को मक्का जाने के लिए पाकिस्तान ने जो वीजा रद्द किया है उसकी जगह पर चाइना से दरख्वास्त की जाए कि वहां से भी वीजा मिले और चाइना के रास्ते से शहाब भाई को मक्का शरीफ तक पहुंचाया जाए। इस वीडियो के बारे में या पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर कीजिएगा। दुआ कीजिएगा कि शहाब भाई का सफर आसान रहे और अपने हज के वक्त पर वो मक्का शरीफ जरूर पहुंचे। और हमें उम्मीद है अगर पाकिस्तान धोखा दे सकता है तो अल्लाह, एक रास्ता बंद हो सकता है तो अल्लाह 70 रास्ते खोलता है। और इंशाअल्लाह शहाब भाई अपने मुकर्रर वक्त पर हज और मक्का शरीफ तक जरूर